हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ दिनेश दादीज टीम केमिस्ट्री सी एल सी सी का हम डिस्कस करेंगे डी सी एम पेपर फोर्टीन जिसमें मॉल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शंस एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ओके okay स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस के जेड के जेड ई स्क्वायर पॉन आर हो जाएगा और आर इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर पोन जेड ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो इस तरह से हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर पोन माइनस जेड स्क्वायर पोन एन स्क्वायर की होगी और यहां क्या गिवन है जेड स्क्वायर एन स्क्वायर है माइनस साइन नहीं है सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा क्टली प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगा क्या ये है क्या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू जेड स्क्वायर तो यह भी करेक्ट नहीं होगा ओके डी स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्व इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इजिकल टू क्या होता है एफ इजिकल टू वन बाई टी होता है एफ इजिकल टू वन बाई टी मीनस एफ इजिकल टू अपने पास हो जाएगा वन बाई टी का मतलब टू पाई आर अपॉन वी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ओके डी स्टूडेंट्स कुलामिक फोर्स ऑफ कुलामिक अट्रक्शनल अपॉन आर स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं तो जेड और आर किसके प्रोपोर्शनल होता है जेड अपॉन आर हो जाएगा अपने पास आर होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और इसका भी क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया गलत हो गया तो कौन सा है फ्रीक्वेंसी वाला थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वांटम नंबर विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज द करेक्ट फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन रखेंगे और क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एस टू एस टू एंड थ्री पी फाइव इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑफ क्लोरिन लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो वन टू थ्री फोर और फाइव ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन हो गया इसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी और वाइटल में प्रजेंट है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी तो फर्स्ट एन की वैल्यू थ्री है एल की वैल्यू ओनली किसके लिए सेकेंड के लिए एल इक्वल टू वन एल इक्वल टू वन तो एम इक्वल टू जीरो पॉसिबल एंड एस इक्वल टू प्लस माइनस हाफ में तो कौन सा हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम सोडियम एटम को आयोनाइज करना है तो कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी वेवलेंथ की रेडियशंस डाली जाती है 242। फोर्टी टू कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन द किलोजूल परमोल किलोजूल मोल के कैलकुलेट करनी है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू फॉर द वन मोल ऑफ सब्सटांस एन एच सी अपॉन लिमडा फॉर दोल ऑफ सब्सान जाएगीवर ट्वेंटी थ्री एच की वैल्यू हो जाएगी सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर सी हो गया थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड और अपने पास जो वेवलेंथ हो गई वो टू फोर्टी टू इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन इसे सोल्व करते हैं तो ईज इक्वल टू आ जाएगा फोर पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन टू पावर टू किलो जूल पर मोल में इसका आंसर आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके देखते हैं नेक्स्ट टेन ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन ओनली एटम ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन लीटर एट एटीएम एंड वाट इज मोलर मास ऑफ गैस गैस का मोलर मास क्या रहेगा तो ये अपने पास पीवी इज टू एन आर टी लगा ली क्योंकि कौन सी कंडीशन नहीं है एन टीपी की पीवी इक्वल टू एन आर टी लगाती पी इजिकल टू कितना की है जीरो पॉइंट फाइव ए टी कितना हो गया फाइव पॉइंट सिक्स लीटर N क्या हो गया डब्लू अपन डब्लू डब्लू कितना हो गया टेन ग्राम डब्लू अपोन एमडब्लू हमें कैलकुलेट करना है ये एम डब्ल्यू कैलकुलेट करना है R हो गया जीरो पॉइंट जीरो एट टू और T हो गया अपने पास टू सेवेंटी थ्री डी स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट अपने पास हो जाएगा 22.4, 22.4 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4, 4 ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 4.5 तो M.W. इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके डी जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉन है फॉलोइंग क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वांटम नंबर गिवन है एन इक्वल टू फोर एल इक्वल टू वन एन इक्वल टू फोर एल इक्वल टू जीरो ऑर्डर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाइएस्ट फ्रॉम लोवेस्ट टू हाइएस्ट ठीक है तो इसमें हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो एन प्लस एल के रूल से हम क्या बता सकते हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है इसके लिए N plus L कितना हो गया? Five हो गया इसके लिए एन प्लस एल कितना हो गया फाइव हो गया एन प्लस एल कितना हो गया फोर हो गया इसके लिए थ्री प्लस टू फाइव हो गया और इसके लिए अपने पास एन प्लस एल कितना हो गया फोर हो गया अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि n plus l की वैल्यू जिसके लिए हायर होती है उसकी एनर्जी क्या होती है हायर होती है उसकी एनर्जी हायर होती है तो इनमें से किसकी एनर्जी हायर हो जाएगी अपने पास n equal to 4 इन दोनों की इन दोनों में से भी जिसके लिए n की वैल्यू हाई होती है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी n की वैल्यू किसके लिए आएगी फर्स्ट के लिए तो सबसे पहले ज्यादा एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट की उसके बाद थर्ड की उसके बाद सेकेंड की और सबसे कम फोर्थ की तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट रेडियल नोट्स आर मैक्सिमम इन रेडियल नोट्स की बात कर रहा है। रेडियल नोट्स होते हैं एन माइनस एल माइनस वन तो इसमें रेडियल नोट्स अपने पास हो जाएंगे थ्री इसमें रेडियल नोड हो जाएगा अपने पास वन इसमें जीरो और इसमें कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो होगा? में, में जो रेडियल नोड हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे मैक्सिमम हो जाएंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्री पॉइंट जीरो 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 ट्वेंटी ऑफ एलिमेंट्स वेट टू ग्राम द एटोमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें बताना है तो एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं पहले मोल कैलकुलेट कर लेते हैं मोल इज इक्वल टू अपने पास हो गया थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री ठीक है इसे हम सोल्व किए तो मोल इक्वल टू ट्वेंटी ये हो गया अपने पास वन और इसे सोल्व किया तो ये हो गया थ्री डिवाइडेड बाई टू ये हो गया अपने पास मोल इज इक्वल टू हो गया वन बाई ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी और मोल इज इक्वल टू ऑल्सो होता है मोल इज इक्वल टू डब्लू अपॉन एमडब्लू तो मोल अपने पास हो गया वन बाई ट्वेंटी W अपने पास गिवन है कितना है टू MW हमें कैलकुलेट करना है तो MW अपने पास कितना हो जाएगा मोलर मास अपने पास हो जाएगा इसका फोर्टी हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके विच इज मिनिमम नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम एटम की मिनिमम नंबर होगी सबसे पहले फर्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे d इज इक्वल टू एम बाई वी तो m इक्वल टू अपने पास हो जाएगा डी वी डी इक्वल टू कितना होता है वोटर के लिए वन ग्राम पर एम एल वन ग्राम पर एम और कितना एम दे रखा है टेन एम दे रखा है टेन एम तो अपने पास कितना हो गया वन ग्राम हो गया वन ग्राम और वन ग्राम का मतलब हो गया अपने पास ऑक्सीजन एटम्स है वो ऑक्सीजन एटम्स अपने पास हो गए वन डिवाइडेड बाय 18 इनटू वन डिवाइडेड बाय 18 इनटू एनी वन डिवाइडेड बाय 18 इनटू एनी वन डिवाइडेड बाय 18 कितना हो गया 0.55 एनी 0.55 हो जाएगा सेकेंड में जीरो पॉइंट दे रखा है तो जीरो पॉइंट ऑप्शन को चेक करते हैं तो थर्ड का मतलब हो गया ट्वेल्व अपॉन टॉन फोर्टी एट इन थ्री मोल हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाई एन ए तो ये हो गया थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी एट एन ए थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी एट एन ए ये हो जाएगा अपने पास थ्री बाई फोर मतलब जीरो पॉइंट सेवन फाइव एन ए अगर फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन में अपने पास ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए मोल अपने पास हो गए ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री अपने पास हो गए दो जीरो पॉइंट टू एन ए तो अपने पास इसके मोल हो गए किसके मोल जीरो पॉइंट टू एन एटम्स कितने हो जाएंगे तो ऑक्सीजन एटम्स है ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीजन एटम्स अपने पास हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो पॉइंट फोर एन ए तो जीरो ऑक्सीजन एटम मिनिमम है किसमें हो जाएंगे पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट फाइव जीरो ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे वो मिनिमम हो जाएंगे ओके डी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेनिसिलिन एन इज एन एंटीबैक्टीरियल. एजेंट द कंटेन 8.92 परसेंट सल्फर बाय मास फाइंड आउट द मिनिमम मोलर मास ऑफ द पेनिसिलिन एन पेनिसिलिन एन है जिसका मिनिमम मोलर मास मिनिमम मोलर मास का मीनिंग होता है पेनिसिलिन में जिस एटम के बारे में डिस्कस कर रहा है सल्फर के बारे में डिस्कस करता है तो सल्फर का कितना एटम प्रेजेंट है वन एटम ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द पेनिसिलिन तो डी स्टूडेंट्स हम जानते हैं परसेंटेज ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा तो ये हो गया एट पॉइंट नाइन टू इक्वल टू मास ऑफ सल्फर कितना है 32 मिनिमम मोलर मास तो मोलर मास ये हो गया ये हो गया अपने पास मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 यहां से आप मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 358.7 अपने पास मोलर मास हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट चेक करते हैं फिफ्टी एम एल ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट डब्ल्यू बाई वी बी ए सी एल टू एंड हंड्रेड एम एल नाइन पॉइंट एट डब्लू बाई वी एच टू एस ओफ्यू सोल्यूशन आर मिक्सड मोलैरिटी ऑफ द क्लोराइड आइन इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन जो क्लोराइड आइन बनेगा रिजल्टिंग उसमें क्लोराइड आइन की मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी एस सी एल टू की मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं ये अपने पास हो गया बी ए सी एल टू इसकी मोलरिटी इक्वल टू 20.8% परसेंट का मीनिंग हो गया 20.8 ग्राम ऑफ द बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन तो मोलरिटी अपने पास w अपॉन mw v अगर ml में लिखेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी स्टूडेंट्स अपने पास मोलरिटी इसकी हो जाएगी 20.8 डिवाइडेड बाय बेरियम क्लोराइड का कितना हो गया 208 टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड इसकी हो गई अपने पास पास वन एम. सिमिलर अपने पास, अगर H2SO4 की बात करते हैं तो एच टू एस फोर सोल्यूशन की जो मोलिटी हो जाएगी इसका मतलब कितना हो गया नाइन पॉइंट एट परसेंट मीनस नाइन पॉइंट एट ग्राम ऑफ एच टू एस ओ फोर प्रजेंट इन दंड्रेड एम ऑफ सोल्यूशन तो इसका मीनिंग हो गया नाइन पॉइंट अपॉन 98 एट इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई थाउजेंड तो ये अपने पास आ जाएगा m इक्वल टू वन एम दोनों की मोलरिटी सिमिलर हो गई अब हमें पता है कि बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा BaCl2 ए प्लस एच अपने पास बन जाएगा बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा टू एच सी एल बन जाएगा इसके कितने मोल हो गए इसके जो मोल हो जाएंगे मोल इक्वल टू V हो जाएंगे और इसके मोल भी क्या हो हो जाएंगे जाएंगे फिफ्टी मिलीमोल वन एम है तो फिफ्टी मिलीमोल इसके मिलीमोल अवेलेबल हो गए वो हो गए अपने पास कितने हो गए हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड मिलीमोल इसके अवेलेबल हो गए इनिशियली ये जीरो और जीरो फाइनली ये कितना हो जाएगा जीरो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी ये कितना हो जाएगा फिफ्टी और ये कितना हो जाएगा हंड्रेड मिलीमोल हो जाएंगे तो एच सी एल सोल्यूशन में क्लोराइड आइन जो अवेलेबल होंगे वो किससे होंगे एच सी एल से अवेलेबल होंगे तो मोलरिटी ऑफ द क्लोराइड आइन इक्वल टू मोल ऑफ क्लोराइड आइन कितने होंगे मिली मोल ऑफ क्लोराइडाइन हंड्रेड हो गए और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया वन फिफ्टी एम एल ये भी मिली है और ये भी में लिख दिया तो टेन डिवाइडेड बाई फि टू डिवाइडेड बाई थ्री तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स 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 एम इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड अपने पास आंसर हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट गेसेज मिक्सर ऑफ एच टू एंड सीओ टू कंटेन सिक्सटी सिक्स परसेंट सीओ टू बाई मासपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सर मिक्सर की वेपर डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो मिक्सर की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि मोलर मास मोलर मास इक्वल टू होता है टू इंटू वेपर डेंसिटी मोलर मास इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी और अब हमें मिक्सचर का अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है तो m एवरेज मोलर मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 x1 m2 x2 अपॉन क्या हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स m1 इसका मीनिंग अपने पास 66 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में 66 ग्राम तो क्या प्रेजेंट है CO2 प्रेजेंट है और बाकी 34 ग्राम हाइड्रोजन है तो सबसे पहले सीओ टू का मोलर मास कितना होता है 44 44 66 44 M2 कितना हो गया 2 ये कितना रहा 34 फोर डिवाइडेड बाई टू अपॉन ये हो गया 66 सिक्स डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर प्लस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू एवरेज मोलर मास आ जाएगा फोर्टी फोर से फोर्टी फोर ये इससे कैंसिल ये हो गया अपने पास हंड्रेड ये हो गया अपने पास वन पॉइंट फाइव और ये हो गया 17, ये हो गया अपने पास 17 तो एम एवरेज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एम एवरेज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई ये 17 और 1.5 पॉइंट फाइव 18.5 यहां से अपने पास एम एवरेज इक्वल टू आ जाएगा 5.4 और वेपर डेंसिटी इसकी हाफ हो जाएगी तो वेपर डेंसिटी हो जाएगी अपने पास 2.7 तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फाइव पॉइंट एट फाइव ग्राम ऑफ एनएसीएल आर डिजोल्ड इन नाइन्टी ग्राम ऑफ वॉटर द मोल फ्रिक्शन ऑफ एन एस एल एन एसीएल के मोल फ्रिक्शन है तो एक्स एनएसीएल इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ मोल फ्रिक्शन ऑफ एनएसियल एक्स मोल ऑफ एनएसियल अपॉन टोटल मोल टोटल मोल मोल ऑफ एनएसीएल कितना हो गया 58.5 इसका मोलर मास होता है तो 0.1 हो गया मोल 0.1 प्लस वॉटर के मोल कितने होंगे 19 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 80 कितना हो जाएगा 5 इसे हम सोल करेंगे तो 0.0196 मोल फ्रिक्शन आ जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एच टू ओ टू एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एच टू ओ टू रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है एच टू ओ टू रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है तो खुद का क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन तो खुद का ऑक्सीडेशन होता है एच टू ओ टू तो किसमें जाता है ओ टू में कन्वर्ट हो रहा है एच टू ओ टू यहां एच टू में रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है ये सही है यहाँ क्या हो रहा है रिड्यूसिंग हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, का काम कर रहा है खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का काम किसमें कर रहा है सेकेंड ऑप्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एन एक्व सोल्यूशन ऑफ एथेनोल इज डेंसिटी 1.025 ग्राम पर एम एंड इट इज 2 एम व्हाट इज द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन स्मॉल एम कैलकुलेट करना है स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन होता है कैपिटल एम इंटू थाउजेंड अपॉन थाउजेंड डी माइनस एम इंटू एम ये अपने पास रिलेशन होता है तो स्मॉल एम इज इक्वल टू टू इंटू थाउजेंड टू इंटू थाउजेंड डिडेड बाई कितनी हो गई अपने पास डी होनी चाहिए ग्राम पर एम में तो वन पॉइंट माइनस टू इंटू एम ए मोलर मास ऑफ सोल्यूट एथेनॉल का मोलर मास फोर्टी सिक्स तो ये अपने पास कितना हो जाएगा इसे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा टू पॉइंट वन फोर थ्री हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ एच एन ओ थ्री पॉसिबल प्रोडक्ट इज ऑफ टेन एच एन ओ थ्री है इसमें फोर मोल एच एन थ्री है एच थ्री में एच थ्री में फोर मोल है वो इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोई सब्सटेंस अक्स में कन्वर्ट होगा डी स्टूडेंट्स एच थ्री में यहां प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फाइव ऑक्सीडेशन है फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई एन टू ओ में एन टू ओ में ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स इसका वन मोल लेंगे तो नाइट्रोजन के लिए इसका कितना मोल बनेगा हाफ मोल बनेगा इसका जीरो पॉइंट 5 इसका बन जाएगा तो पहले फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ली फिर इसका हाफ इसमें मोल में कन्वर्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जीरो पॉइंट वन एम केमोनोफोर इज यूज फॉर द फॉलोइंग टाइटेशन वाट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन एम एल विल बी रिक्वा टू एस टू ओ थ्री इमेंशन दे रखिए माइनस टू एम एन 2 MnO4- के साथ रिएक्ट कर रहा है MnO4- के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है MnO2 बना रहा है MnO2 बना रहा है प्लस SO4- 2 बना रहा है स्टूडेंट्स यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी प्लस टू यहां ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स होगी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो टू माइनस सिक्स टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से कितने में कन्वर्ट हो रहा है प्लस सिक्स एन फैक्टर कितना हो गया इसके लिए प्लस टू से प्लस सिक्स एट हो गया इसका एन फैक्टर इसका एन फैक्टर कितना हो गया इसका एन फैक्टर हो गया अपने पास 3 हो गया जितने जितनेक्वेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे सेम नंबर ऑफ इक्वेलेंट एम एन ओ फोर के रिएक्ट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि जीरो पॉइंट फॉर द दीरो पॉइंट वन इंटू कितना हो जाएगा थ्री इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है ये हो गया अपने पास जीरो पॉइंट वन फाइव एट डिवाइडेड बाई MW कितना हो गया 158 डिवाइडेड बाय NA डिवाइडेड बाई n फैक्टर ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया तो अपने पास ml में वॉल्यूम कितना ये 10 टू पावर माइनस थ्री जो ml में कन्वर्ट कर लेगा 8 डिवाइडेड बाय 0.3 तो वॉल्यूम अपने पास हो जाएगा 26.7 ml वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा यूटिलाइज हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेन एम एल ऑफ एच टू ओ टू सोल्यूशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्स है रिक्वायर्ड टू टेन एम एल जीरो एन एम एन ओ फोर सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम हैंस दल टू एच टू ओ टू सोल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है जब अपने पास एच टू ओ टू केम के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में के के साथ रिएक्ट करेगा तो एच है ओ में कन्वर्ट हो जाएगा और एम एन माइनस है वो एम एन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इसका एन फैक्टर है अपने पास इसका एन फैक्टर टू हो जाएगा इसका एन फैक्टर फाइव हो जाएगा जितने इक्वेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे सेम नंबर ऑफ तो इक्वेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे इसका एन वन वी वन बराबर इसका क्या हो जाएगा एन टू वी टू हो जाएगा ओके इसका एन कितना हो गया डी स्टूडेंट्स इसका एन अपने पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होगी एक्स कैलकुलेट करनी है तो एक्स अपॉन फाइव पॉइंट सिक्स कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हो रहा है एच टू ओ टू का टेन एम एल यूटिलाइज हो रहा है केम फोर है इसका कितना दे रखा है वन अपन जीरो पॉइंट फाइव सिक्स वन जीरो पॉइंट फाइव सिक्स एनी दे रखा है मल्टीप्लाई बाय ये अपने पास दे रखा है कितना वॉल्यूम इसका भी टेन वॉल्यूम टेन एम एल का यूज आ रहा है टेन एम एल यूटिलाइज हो रहा है तो हमने यहाँ देखा कि अक्ष समय कैलकुलेट करना है तो यहाँ क्स कैलकुलेट करना है तो टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय फाइव पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई इक्वल टू अपने पास आ जाएगा टेन एम एल यूटिलाइज हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपने पास टेन हो जाएगी ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट चेक करते हैं ओके, द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग सिक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज सिक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो अपने को मोमेंटम कितना मिलेगा इज इक्वल टू अपने पास होता है एम सी स्क्वायर ओके री स्टूडेंट्स तो E इक्वल टू अपने पास हो जाएगा P इंटू सी हो जाएगा M इंटू सी ई कितना हो गया अपने पास सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स इंटू अपने माइनस नाइनटीन पी हमें कैलकुलेट करना है सी कितना हो गया थ्री इंटू टेन टू पावर एट इससे यहां से कैंसिल आउट किया ये हो गया टू ये हो गया अपने पास टू तो ये हो गया अपने पास p इज इक्वल टू अपने पास थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी वन हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इफ द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर विल बी पॉसिबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल अगर

तो मैग्जिम नंबर ऑफ होता स्पेक्ट्रम लाइन मैग्जिम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन ये होता है अपने पास एन टू माइनस एन वन मल्टीप्लाई एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एन टू कितना हो गया सेवन एन वन कितना हो गया एन वन हो गया अपने पास टू तो ये कितना हो जाएगा अपने पास सेवन माइनस टू इंटू सेवन माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा फिफ्टीन लाइन ऑब्जर्व हो जाएगी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वन स्टूडेंट्स नेक्स्ट 1.25 ग्राम ऑफ दॉलिड डायाबेसिक एसिड कंप्लीटली न्यूट बाय द 25 फाइव एम एल ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मास ऑफ़ द एसिड इज टेन एक्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स गया मतलब ऐसा कोई एसिड हो गया एच टू हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोल्ट बनाएगा और रिएक्शन हो जाएगी एसिड बेस जितने जितनेट इसके पार्टिसिपेट करेंगे सेम नंबर ऑफ इक्वेलेंट इसके पार्टिसिपेट करेंगे तो 1.25 पॉइंट टू फाइव इज इक्वल टू मोलर मास टू हो गया न्यूट्रलाइज कितने से हो रहा है 0.25 मोलर 0.25 2 25 ml ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो mw अपने पास आ गया इसका mw अपने पास आ जाएगा इसको हम कैंसिल आउट करेंगे ये अपने पास कैंसिल हो गया ये हो गया 5 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया 5 तो एमडब्ल्यू अपने पास आ गया 200 तो 200 किसके इक्वल दे रखा है 10x के 200 इज इक्वल टू क्या हो गया 10x हो गया 200 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 अपने पास आंसर आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिक्स पॉइंट एन एक्व सोल्यूशन ऑफ सिक्स पॉइंट थ्री एम ऑक्जिलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू फिफ्टी एम एल वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट वन एन एन एच रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज टेन एम एल ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ एन एच इन एम एल एम एल एन एच का वॉल्यूम ऑक्जिलिक एसिड डाइहाइड्रेट क्या हो गया एच टू सी टू ओ फोर डॉट टू एच टू ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है एन के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी इसका अपने पास एन बराबर इसका एन बराबर इसके भी इसके काम आएगा एन के इक्वल काम आएगा ये एन कितना हो गया 6.3 पॉइंट थ्री अपॉन सिक्सटी कितना एम एल सोल्यूशन बनाया टू फिफ्टी एम सोल्यूशन बना लिया मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड ऐसे सोल्यूशन का कितना काम में ले रहा है टेन एम काम में ले रहा है एन एम कैलकुलेट दिया एन एच का जीरो पॉइंट वन और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट कीजिएगा ये सिक्सटी थ्री से सिक्सटी थ्री कैंसिल टू फिफ्टी एम एल से ये अपने पास हो गया फोर तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास वी इक्वल टू फोर्टी एम एल अपने पास आंसर हो जाएगा तो वी इक्वल टू अपने पास हो गया फोर्टी एम एल इसका आंसर हो गया ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वन लीटर ऑफ ए सिंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन 4.44 मिलीग्राम CaCl2 एंड 1.9 मिलीग्राम ऑफ MgCl2. व्हाट इज द टोटल हार्डनेस इन टर्म ऑफ पीपीएम ऑफ CaCO3. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर एमएल तो डी स्टूडेंट्स ने देखना अपने पास मोल ऑफ CaCl2 कितने होंगे मोल ऑफ CaCl2. अपने पास मोल ऑफ सी ए सी एल टू हो गया अपने पास जीरो पॉइंट फोर पॉइंट जीरो पॉइंट फोर फोर पॉइंट फोर फोर डिवाइडेड बाई वन 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 ये हो गया अपने पास जीरो पॉइंट जीरो फोर मोल अपने पास इसके हो गए किसमें मोल ऑफ एम जी सी एल टू ये अपने पास हो गए ये अपने पास आ गए वन पॉइंट नाइन अपॉन 95 ये हो गया अपने पास 0.02 टोटल मोल कितने हो गए टोटल मोल अपने पास हो गए 0.06 0.06 CaCO3 के ट्रम में कैलकुलेट करना है तो अपने पास ppm में कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 टू पावर मतलब 0.06 ठीक है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सी एस के मास में कन्वर्ट कर लिया ये सी एस का मास आ गया इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री अपॉन तो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन uh, का मास, कितना पीपीएम आ रहा है पीपीएम में इसकी कंसेंट्रेशन कितनी आ रही सिक्स पीपीएम इसका आंसर आ रहा है कितना पीपीएम हो जाएगा सिक्स पीपीएम इसका आंसर हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाउ मेनी ग्राम ऑफ एनए रिक्वाइज ट्वेंटी फाइव एम एल वन एंड एच टू एसओ फोर तो एन एच है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है एच टू एसओ फोर के साथ रिएक्ट कर रहा है एन एच कितना हो गया डब्लू बाई हाउ मेनी ग्राम डब्लू बाई इज इक्वल टू एन वी हो जाएगा W कैलकुलेट करना है E कितना हो गया अपने पास 40 हो गया N कितना दे रखा है 1 इंटू ट्वेंटी फाइव वन इंटू ट्वेंटी फाइव वन इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थाउजेंड डिवाइडेड बाई थाउजेंड आ जाएगा क्योंकि ml में दे रखा है ये हो गया अपने पास 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो W इक्वल तू कितना ग्राम आ रहा है W इक्वल तू वन ग्राम अपने पास आंसर आ रहा है तो कितना आंसर हो जाएगा वन ग्राम इसका आंसर हो जाएगा ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं राइट द सम ऑफ ट्रम ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दिस डी स्टूडेंट्स इसे सम करते हैं थ्र जीरो टू थ्री प्लस फोर्टी वन पॉइंट फाइव तो अपने पास ये हो जाएगा अपने पास फोर्टी एट पॉइंट एट तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा वन के इक्वल लेंगे ये थ्री और थ्री तो फोर्टी एट पॉइंट फोर्टी एट पॉइंट कितना हो जाएगा एट इसका आंसर हो जाएगा फोर्टी एट पॉइंट एट इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे ओके डी स्टूडेंट्स ओके जय जे सी एल सी माई सेल्फ दिनेश दादीज टीम केमिस्ट्री सी डीसीएम 14 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री जिसमें मॉल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे ओके डी स्टूडेंट्स फर्स्ट पैराग्राफ है ओलियम इज द कंसिडर्ड एज ए सोल्यूशन ऑफ एस इन एच टू इज ऑप्टेन बाई द पासिंग ऑफ एस थ्री इन एच टू मीन्स ओलियम सिंपल ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एसओ SO थ्री प्रजेंट होती है व्हेन दैट टेन ग्राम सिंपल ऑफ ओलियम इज डायलूटेड द डिजायर्ड वेट ऑफ एच टू द टोटल मास ऑफ एच टू एस फोर ऑफ आफ्टर द डायल्यूशन इज नॉट नेज लेबलिंग ऑफ ओलियम एच टू एस फोर के हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन में अगर वोटर को एड किया जाता है तो जितनी एसओ थ्री होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है एच टू एसओ फोर में कन्वर्ट हो जाती है डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल है, है जिसमें फ्री एसओ थ्री कैलकुलेट करनी है इसमें हम बात करते हैं एच टू प्लस एसओ थ्री कन्वर्ट किस में हो जाएगा एच टू एसओ फोर में कन्वर्ट हो जाएगा यहां हम कहते हैं एटी ग्राम एच टू रिक्वायर्ड एटी ग्राम एसओ थ्री वन ग्राम रिक्वायर्ड एटी डिवाइडेड बाय एटीन एंड फोर पॉइंट फाइव ग्राम एच टू ओ 4.5 ग्राम एच टू रिक्वायर्ड 80 एटीन इंटू फोर पॉइंट फाइव यहां से सोल्व करते हैं तो ये 100 ग्राम सिंपल परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा फ्री SO3 थ्री का 20 परसेंट हमें मिल जाएगा तो कितनी फ्री SO3 थ्री हो जाएगी 20 परसेंट एसओ थ्री अवेलेबल हो जाएगी ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन ग्राम ओलियम सिंपल इज डाइल्यूटेड विथ वॉटर द सोल्यूशन रिक्वायर्ड फिफ्टी फोर एम एल ऑफ जीरो पॉइंट फोर एन एच फॉर कंप्लीट न्यूटेशन द परसेंटेज ऑफ फ्री एसओ थ्री इन द सिंपल जो भी सैंपल है उसमें परसेंटेज ऑफ फ्री एसओ थ्री कैलकुलेट करना है इसका मीनिंग हुआ ओलियम में एसओ थ्री भी प्रेजेंट होता है और ओलियम में एच टू एस फोर भी प्रेजेंट होता है इन दोनों किससे न्यूट्रलाइज होंगे NaOH से न्यूट्रलाइज होंगे ठीक है और क्या बनाएंगे एन बना देंगे एन बना देंगे डीर स्टूडेंट्स जितना इक्वेलेंट SO3 प्लस एच आस टू के होंगे सेम नंबर ऑफ इक्वेलेंट NaOH के पार्टिसिपेट करेंगे SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका W अपॉन ई वन प्लस डब्लू टू अपॉन ई टू इसके किसके इक्वल हो जाएगा एन के इक्वल हो जाएगा W कितना कंसीडर कर लेते हैं SO3 का X हो गया और SO3 का N फैक्टर टू हो गया तो ये फोर्टी हो गया प्लस ये वन एक्स डिवाइडेड बाई एच टू एस ओ फोर के लिए फोर्टी नाइन हो गया इजिकल टू एन कितना हो गया एन हो गया अपने पास ज़ीरो पॉइंट फोर कितना एम एल हो गया फिफ्टी फोर एम एल ये फिफ्टी फोर एम एल डिवाइडेड बाई थाउजेंड यहां से आप एक्स कैलकुलेट करते हैं तो एक्स अपने पास आ जाता है ज़ीरो पॉइंट एक्स इजिकल टू ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स अपने पास 0.26 तो परसेंटेज अपने पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एसओ थ्री फ्री एसओ थ्री जीरो पॉइंट टू सिक्स कितना था वन ग्राम था मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कितना हो जाएगा ये अपने पास ट्वेंटी सिक्स परसेंट हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा डी स्टूडेंट सेकंड आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड पैराग्राफ की है हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एट ए टाइम मोमेंटम और पोजीशन की एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है और एक और ये किसके इक्वल होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाइव के रिलेटेड होता है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ओके स्टूडेंट्स तो इस से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी डेल्टा इज टू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देर और इक्वल टू एच अपन फोर पाई होता है डेल्टा अक्स और डेल्टा वी सेम है अपने को कह रहा है डेल्टा अक्स और डेल्टा वी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है सेम है डेल्टा पी की न्यूमेरिक वैल्यू सेम है तो अपने पास क्या हो जाएगा डेल्टा पी स्क्वायर इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन फोर पाई तो अपने पास हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई तो हमारे पास डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एच अपॉन फोर पाई फोर पाई एम स्क्वायर और डेल्टा वी इक्वल टू अपने पास हो जाएगा वन अपॉन टू एम अंड्रूड एच अपॉन पाई ये वाला ऑप्शन इक्वल टू हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो गया थर्ड वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन अपने पास हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाट वुड बी द मिनिमम अनसर्टेनिटी इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ सिक्स वोल्ट वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज सेवन अपॉन ट्वेंटी टू नैनोमीटर डी स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स इन डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाइके अब हम कह रहे हैं हमें पता होता है कि p इजल टू होता है एच अपॉन लेमडा डी स्टूडेंट अगर इसे डिफ्रेंशियट कर देते हैं डिफ्रेंशियट कर दें तो डेल्टा p टू हो जाएगा माइनस एच अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा हो जाएगा माइनस साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि p इंक्रीज होगा तो लेमडा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ओके okay? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को और डेल्टा पी की वैल्यू यहां पुट कर दें तो डेल्टा एक्स इंटू एच एच इंटू डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू तो और ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को असिलेटेड किया गया है वो सिक्स वोल्ट से असिलेटेड किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा इज इक्वल टू होता है अंडरवुड वन डिवाइडेड बाय वी असिलेटेड पोटेंशियल तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 150 फिफ्टी अपॉन अंडरवुड सिक्स ये होता है अंगस्ट्रोम में तो लेमडा स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 150 फिफ्टी डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी मीटर में हो जाएगा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा लेमडा तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर हो गया 150 फिफ्टी डिवाइडेड बाई सिक्स अपॉन टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी

करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट को हमें सिलेक्ट करना है फर्स्ट द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन दिया जाता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से दिया जाता है ओरिएंटेशन मींस पे ओरिएंटेड है जेड पे ओरिएंटेड है तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सो ऑल्सो डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेकेंड द शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड ऑन दिमिथल क्वांटम नंबर शेप किसके द्वारा डिपेंड कर रही है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल की शेप डिसाइड होती है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बोलती है एस ऑर्बिटल्स होती है स्फेरिकल पी ऑर्बिटल डबल डंबल और डी ऑर्बिटल डबल डंबल एफ ऑर्बिटल मल्टी डंबल और कॉम्प्लेक्स होती है तो ये स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया थर्ड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटोमिक और बाइटर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिपेंड ऑन द ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोथ एन और एल किस पे दोनों पे डिपेंड करती है तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया नेक्स्ट द नंबर ऑफ द डी ऑफ द एटोमिक ऑरबाइटल्स ऑफ वन टाइप डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एजी मुथल क्वांटम नंबर एजी मुथल क्वांटम नंबर पे डिज़नरेसी डिपेंड कर रही है मीन एजी मुथल क्वांटम नंबर पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है वन होती है तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी माइनस वन जीरो और प्लस वन थ्री ऑर्बाइटल्स हो जाएगी डी कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी इसका मतलब ये भी क्या हो गया सही हो गया तो कौन कौन से सही हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन हाइड्रोजन एटम सैंपल इलेक्ट्रॉन्स आर डीएक्साइटेड फ्रॉम द फोर्थ स्टेट टू ग्राउंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फोर्थ से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मींस फिफ्थ ऑर्बिटल से कहां आ रहा है ग्राउंड स्टेट में आ रहा है वन डिफरेंस कितने का हो गया फोर का तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन मींस ये किस सीरीज में मिलेगी लाइमेन में ये किस में मिलेगी बामर ये पाश्चन और ये किस में मिलेगी ब्रकेट में ये अपने पास मिलेगी लाइमेन सीरीज कौन से रीजन में होती है यूवी रीजन में होती है बामर सीरीज कौन से रीजन में होती है विजिबल रीजन में होती है इससे रिलेटेड हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्व इन द फ्री फंड सीरीज नो लाइंस और ऑब्जर्व फ्री सीरीज में कोई लाइन ऑब्जर्व नहीं होगी स्टेटमेंट क्या हो गया सही हो गया लाइमेन में मिल रही है बामर पासन ब्रिकेट में मिल रही है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन ऑब्जर्व टोटल नाइन और टेन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन टेन है ये स्टेटमेंट क्या हो गया करेक्ट स्टेटमेंट हो गया फोर लाइन इन यूवी रीजन करेक्ट एंड थ्री लाइन इन विजिबल रीजन ऑल्सो करेक्ट हो गया नेक्स्ट वन लाइन ऑब्जर्व इन द बर्केट वन लाइन ऑब्जर्व इन द बर्केट तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही होगे? अपने पास चार के चार स्टेटमेंट क्या होगे? सही होगे। तो फर्स्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अपने पास ये सही हो जाएंगे ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थ्री मोल ऑफ सी टू एच सिक्स गैस मिक्स विद्सटी ग्राम ऑफ दिसिक्यूल सी टू एच सिक्स गैस है गैस है इसका अपने पास कितना है थ्री मोल था थ्री मोल के साथ इसका कितना ग्राम एड किया गया इसका एड किया गया अपने पास सिक्सटी मोलर मास कितना हो गया थर्टी टोटल कितने मोल हो गए थ्री प्लस टू कितने मोल हो गए टू मोल टोटल अपने पास फाइव मोल हो गए उनमें से कितने रिमूव कर दिए टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी फोर अगर मोल की बात करता हूं तो टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी अपॉन टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री कितने मोल रिमूव किए फोर मोल रिमूव कर दिए कितना मोल रिमेनिंग रहा रिमेनिंग अपने पास रिमेनिंग अपने पास वन मोल रहा रिमेनिंग अपने पास वन मोल रहा अगर इसे हम सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड इस करने के लिए बोल रहा है तो सी टू एच सिक्स इसकी ओ टू के साथ रिएक्शन करवाएंगे <coughs> तो बन जाएगा टू सीओ टू प्लस थ्री एच टू थ्री एच टू बन जाएगा बैलेंस करते हैं तो ये हो गया सेवन बाई टू okay मोल्स uh, हो गया कितना mole मिल, रहा? One mole मिल रहा है मिल रहा वॉल्यूम ऑफ सीओ टू एट एन टीपी कितना मिलेगा टू मोल मिलेगा इसका तो टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर मीन कितना हो जाएगा फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर मिल जाएगा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस इज फोर्टी फिफ्टी फोर एम एल कितना मोल मिलेगा थ्री मोल मिलेगा वन मोल से थ्री मोल मिलेगा मतलब कितना हो गया फिफ्टी फोर ग्राम और वॉटर की डेंसिटी कितनी होती है वाटर की डेंसिटी डी इज इक्वल टू वन ग्राम पर एम एल होती है तो कितना वॉल्यूम मिल जाएगा अपने पास फिफ्टी फोर एल इसका वॉल्यूम मिल जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स तो ये स्टेटमेंट भी सही थर्टी सिक्स एम एल ये रॉन्ग है ये तो ये रंग। कौन-कौन से करेक्ट हो जाएंगे? अपने पास टू और थर्ड अपने पास करेक्ट हो जाएंगे ओके okay, स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट इन बी प्लस टू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी अपने पास होता है काइनेटिक एनर्जी अपने पास जेड ई स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर मीन्स काइनेटिक एनर्जी अपने पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एन अगर डिक्रीज हो जाएगा एन अगर डिक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया Velocity speed increases. V is equal to v is directly proportional to जेड by n. n अगर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी स्टेटमेंट क्या हो गया करेक्ट स्टेटमेंट अपने पास हो गया इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द revolution increases. फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो f इज डायरेक्टली proportional टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब एन अगर डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया करेक्ट स्टेटमेंट हो गया अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एन की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो अपने पास ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज स्टेटमेंट गलत हो गया कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये स्टेटमेंट क्या होगे करेक्ट स्टेटमेंट होगे ओके नेक्स्ट चेक करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन इस रेडोक्स रिएक्शन को देखते हैं कैमनो फोर है एन ए टू एस टू ओ थ्री हाइपो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है एम एन एसिडिक मीडियम में एम एन प्लस टू जार में कन्वर्ट हो रहा है एंड हाइपो कन्वर्ट इन टू द एसओ फोर माइनस टू इस रिएक्शन के रिगार्डिंग अपने को करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं ओके अगर अपने पास एम एन ओ फोर माइनस एम एन ओ फोर माइनस अपने पास रिएक्शन कर रहा है एन ए टू एस टू ओ थ्री मीडियम में रिएक्ट कर रहा है तो ये जा रहा है एम एन प्लस टू में और ये जा रहा है एस ओ फोर माइनस टू में ओके डी स्टूडेंट एसओ फोर माइनस टू में यहां एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एम एन फोर माइनस प्लस सेवन से प्लस टू में इसका एन फैक्टर हो गया अपने पास फाइव यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से कितने में जा रही है प्लस सिक्स में इसका एन फैक्टर कितना हो गया एट हो गया इसका एन फैक्टर एट हो गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए कंसीडर करते हैं, जितने इसके इक्वेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे, करेंगे तो इक्वेलेंट हो गया इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा ये मोल इंटू एन फेक्टर मोल इंटू एन फेक्टर ठीक है ये मोल केमनो फोर का कितना मोल ले रहा हूं वन मोल ऑफ केमनो फोर एन हो गया फाइव का मोल कैलकुलेट करना है एन फैक्टर हो गया 8. तो मोल इक्वल कितना नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर चेंज फ्रॉम प्लस फोर टू प्लस ट्वेल्व नो प्लस टू टू प्लस सिक्स में कन्वर्ट हो रही है ये कैसा हो गया गलत स्टेटमेंट हो गया चेंज ऑफ द मीडियम फॉर द एसिडिक टू बेसिक विल है स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन बिल्कुल मीडियम चेंज होते ही प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे और प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे तो स्टोक्योमेट्री भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ओके नेक्स्ट चेंज इन द मीडियम ऑफ एसिडिक टू बेसिक विल चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल अगर आप बेसिक मीडियम लेंगे तो एम एन ओ फोर माइनस एम एन प्लस टू की जगह क्या बनाएगा एम एन ओ टू बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे तो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हो गए फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट चेक करते हैं हाँ द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल रिमेन सेम एक ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा एक्स वाई ऑर्बिटल लाइज इन प्लेन बिल्कुल गलत है कौन से प्लेन में होगी एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट होगी तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया नोडल प्लेन आर जेड एंड एक्स वाई इन दी एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स में जो प्लेन होते हैं नोडल प्लेन नोडल प्लेन एक्सिस से

मे बी ऑप्टेन फ्रॉम द कंप्लीट डीकम्पोजिशन तो डी स्टूडेंट्स एट ग्राम सी एच फोर का कंबंसन करना है सी एच फोर प्लस ओ टू इक्वल टू हो गया सी ओ टू प्लस एच टू बैलेंस कीजिएगा तो बैलेंस करेंगे तो अपने पास टू एच टू हो गया और टू हो गया एट ग्राम का मतलब हो गया 0.5 मोल 0.5 मोल के लिए इसके कितने रिक्वायरमेंट होंगे वन मोल का रिक्वायरमेंट होगा इसके वन मोल और वन मोल कहाँ कहाँ से ऑप्टेन की जा सकती है के सी एल ओ थ्री अगर आप के सी एल ओ थ्री को हीट करते हैं तो के सी एल ओ थ्री टू के सी एल प्लस थ्री ओ टू इसके टू बाई थ्री मोल से इसका बनेगा थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री कितना मोल मिल गया वन मोल मिल गया जो कि क्या है सफिशियंट है जो कि सफिसियंट एच टू ओ टू को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो एच टू ओ टू टू एच टू ओ टू इक्वल टू एच टू ओ टू इक्वल टू एच टू ओ प्लस हाफ ऑफ ओ टू इसके वन मोल से इसका कितना मोल मिलेगा हाफ मोल मिलेगा और हाफ मोल मिलेगा जो कि इसके लिए सफिसियंट नहीं होगा ये हाफ मोल इसके लिए सफिसियंट नहीं होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा एन एनओ थ्री को डिकम्पोज करोगे तो टू एन एनओ थ्री इक्वल टू क्या हो गया टू एन ए एनओ टू प्लस ओ टू इस तरह से डिकम्पोज होगा और इसके टू मोल से इसका कितना मोल मिलेगा वन मोल मिलेगा जो कि क्या रह जाएगा सफिशियंट रह जाएगा ये भी आंसर हो जाएगा वन मोल के थ्री वापस के सी थ्री वन मोल के सी से कितना मिलेगा थ्री बाई मोल बाई टू का मतलब वन पॉइंट फाइव मोल जो भी सफिशियंट से क्या है ज्यादा है तो ये भी यूटिलाइज हो जाएगा तो कौन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट थर्ड और क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके okay? देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट टेन ml एल सीओ मिक्सड विदेंटी फाइव एम एल ऑफ एयर हैविंग ट्वेंटी परसेंट ओ टू बाई वॉल्यूम वाट वुड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गो एंड ओ टू लेरिएशन इफ एयर कंटेंट ट्वेंटी परसेंट ओ टू एंड एटी परसेंट एन टू यह अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है तो अपने पास क्या हुआ एयर में ट्वेंटी फाइव परसेंट का ट्वेंटी फाइव परसेंट का ट्वेंटी परसेंट ओ टू है ट्वेंटी परसेंट ओ टू हुआ इसका मतलब का अपने पास हो गया फाइव एम एल और अपने पास जो एन टू है एन टू हो गया अपने पास टोटल ट्वेंटी तो ट्वेंटी एम एल हो गया ये जब रिएक्ट करेंगे टू सीओ प्लस ओ टू इक्वल टू टू सी ओ टू अपने पास इसका कितना है सी ओ का टेन एम एल इसका कितना हुआ फाइव एम एल इसका इनिशियल जीरो हो गया फाइनल अपने पास फाइनल अपने पास इसका भी जीरो इसका भी जीरो इसका 10 ml हो जाएगा तो 10 ml तो क्या हो जाएगा co2 और 20 ml क्या हो जाएगा n2 ये वाला प्रेजेंट रहेगा और दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं देयर आर टू सैंपल ऑफ hcl हैविंग नॉर्मेलिटी 1n एंड 0.25n फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सैम्पल टेकन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 0.75 पॉइंट सेवन फाइव एन एच सी एल सोलूशन एज्यूम नो वाटर इज यूज दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने में किस सोल्यूशन को मिक्स करेंगे कि अपने पास रिजल्ट एंड नॉर्मलिटी जीरो पॉइंट सेवन फाइव होगी तो जीरो स्टूडेंट्स हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू इक्वल टू एन वी अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो वन एन का कितना हो गया वन इं टू ट्वेंटी प्लस सेकेंड कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव इसका कितना टेन एम एल बराबर एन इन टू वी टोटल कितना हो गया थर्टी हो गया यहां से एन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव हो जाएगा तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा सेकेंड वाला आप चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा एन वन वी वन से हंड्रेड इंटू वन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू फिफ्टी बराबर एन वी टोटल कितना हो जाएगा वन फिफ्टी हो जाएगा तो ये भी अपने पास एन इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव आ रहा है ठीक है थर्ड ऑप्शन की अगर बातचीत करते हैं तो अपने पास वन इंटू फोर्टी प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू ट्वेंटी इक्वल टू एन इंटू कितना हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा फोर्टी और ट्वेंटी तो यहाँ भी एन इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव आ रहा है फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो अपने पास कितना हो जाएगा वन इंटू फिफ्टी प्लस वन इंटू फिफ्टी प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू एन इंटू अपने पास आ गया सेवेंटी फाइव तो ये भी अपने पास हो गया एन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे सब चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉलोइंग स्पीसीज लेस नंबर ऑफ द प्रोटोन देन न्यूट्रॉन इसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन सिक्स और सिक्स इक्वल हो गए इसमें प्रोटोन नाइन हो गए न्यूट्रॉन कितने हो गए टेन हो गए तो प्रोटोन लेस है इसमें प्रोटोन इलेवन हो गए न्यूट्रॉन कितने हो गए ट्वेल्व हो गए इसमें दोनों ट्वेल्व ट्वेल्व हो गए तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट द आइन

एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है तो माइनस एन में कन्वर्ट हो रहा है प्लस एम एन एम एन प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है डी स्टूडेंट्स यहां जो एन फैक्टर है वो एन फैक्टर में कैलकुलेट करना है यहां का एन फैक्टर है वो कितना हो गया फाइव हो गया जितने इसके इक्वेलेंट रिएक्ट करेंगे सेम नंबर ऑफ द इक्वेलेंट ए प्लस एन क्रिएट करेंगे तो इसका मोल इंटू एन फैक्टर बराबर इसका मोल इंटू एन फैक्टर हो जाएगा और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस फाइव हो जाएगी तो यहां से इसका मोल आ गया ए प्लस एन का ए प्लस एन जीरो पॉइंट मोल ऑफ ए प्लस एन टू पॉइंट सिक्स एट इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री इंटू एन एन फैक्टर बराबर अपने पास आ जाएगा अपने पास वन पॉइंट सिक्स जीरो माइनस थ्री इंटू फाइव इसका एन 5 हो गया। यहां से एन फैक्टर की वैल्यू सोल्व कर रहे हैं तो थ्री आ रही है एन फैक्टर की वैल्यू थ्री आ रही है इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है थ्री यहां प्लस फाइव आ रही है तो यहां कितनी रही होगी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी तो चेंज कितने का हो जाएगा चेंज अपने पास मिल जाएगा अपने पास थ्री का चेंज मिल जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा टू आंसर इसका अपने पास हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो ग्राम सिंपल ऑफ द हाइड्रोजीन बेस्ट रॉकेट फ्यूल वॉज डायल्यूटेड टू टू फिफ्टी एम एल इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क टाइटन ऑफ दल सोल्यूशन रिक्वायर्ड ट्वेंटी फाइव एम एल जीरो पॉइंट वन फाइव के बी आर परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द फ्यूल इज फ्यूल की परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है रिएक्शन अपने पास गिवन है जितना हाइड्रोजन का यूटिलाइज इक्वेलेंट होगा उतना ही बी आर ओ थ्री माइनस का यूटिलाइज होगा मीन ये होगा कि एन टू एच फोर अपने पास जो गिवन है वो बी आर ओ थ्री माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में और ये तो अपने और यह बी आर माइनस में कन्वर्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स यहां से इसका एन फैक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस टू माइनस टू से जीरो में वन के लिए चेंज हो गया टू तो ये इसका एन फैक्टर फोर हो गया इसका एन फैक्टर प्लस फाइव से माइनस वन में जा रहा है तो एन फैक्टर इसका हो गया सिक्स जितने इक्वेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे सेम नंबर ऑफ द इक्वेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे ओके डियर स्टूडेंट सेम नंबर ऑफ इक्वेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे यहां हम बात करते हैं तो अपने पास अपने पास सैंपल कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव इसका कितना एमएल ट्वेंटी टू फिफ्टी बनाया और एम ml यूटिलाइज किया तो इसका मैं लिख सकता हूं डब्लू अपोन e. e अपने पास कितना हो जाएगा W अपोन E इसका मोलर मास कितना हो गया 28 और 4 32 32 टू डिवाइडेड बाई फोर ठीक है इन टू इसका एन कितना यूटिलाइज ले रहा है जीरो पॉइंट जीरो वन टू फाइव इंटू कितना हो जाएगा सिक्स अपॉन ट्वेंटी यूटिलाइज ले रहा है इसका कितना ट्वेंटी फाइव एम ट्वेंटी फाइव एम एल ट्वेंटी फाइव एम एल के बी आर ओ थ्री ये तो कितने एम एल के लिए यूटिलाइज हो रहा है ट्वेंटी एम एल के लिए तो टू फिफ्टी एम एल के लिए कितना हो गया ट्वेंटी फाइव अपोन ट्वेंटी इंटू टू फिफ्टी एम एल हो जाएगा यहां से अपने पास W आ जाएगा W को कैलकुलेट करके ये वॉल्यूम एम एल में तो डिवाइडेड बाई थाउजेंड कैलकुलेट कर देंगे हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज प्योरिटी परसेंटेज प्योरिटी का मतलब हो गया अपने पास W डिवाइडेड बाई टू पॉइंट डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड यहां से इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी अपने पास सेवेंटी फाइव परसेंट अपने पास परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी ओके रही स्टूडेंट्स नेक्स्ट इलेवन पॉइंट टू एम एल ऑफ ए एच टू ओ टू सोल्यूशन रिक्वायर्ड थर्टी एम एल वन बाई एटीन के टू सीआर टू ओ सेवन फॉर ऑक्सीडेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एच टू ओ टू एच टू ओ टू के टू सीआर टू ओ सेवन के साथ रिएक्ट करेगा तो के टू सी आर टू ओ सेवन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एच टू तो ओ टू में चला जाएगा और सी आर प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा जितने इक्वेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे सेम नंबर ऑफ द इक्वेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे तो अपने पास इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है X फाइव पॉइंट सिक्स इंटू एन कितना यूटिलाइज किया एलेवन पॉइंट टू यूटिलाइज कर लिया के टू सी आर टू और सेवन के लिए एन फैक्टर कितना होता है सिक्स एन फैक्टर होता है टू तो अपने पास आ जाएगा मल्टीप्लाई एम एल थर्टी एम एल यूटिलाइज किए है यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी फाइव आ जाएगी मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एच टू टू सोल्यूशन कितनी हो जाएगी फाइव हो जाएगी ओके नेक्स्ट उट द रेशियो ऑफ सर्कम फेर ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंडलीफेर हमें कैलकुलेट करना है टू पाई आर अपॉन लेमडा जो किसके इक्वल होगा एन के इक्वल होगा एन कितना है सेकेंड ऑर्बिट है तो कौन सा आंसर हो जाएगा टू आंसर हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इन विच ऑर्बाइट ऑर्बिट द एच एटम पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस सिक्स पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जे स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने पास माइनस सिक्स पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो अपने पास टोटल एनर्जी इसकी की तो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ हो जाएगी माइनस थ्री पॉइंट फोर और इक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये हो गया अपने पास माइनस थ्री पॉइंट फोर इज इक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड यानी वन का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर यहाँ से एन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा टू आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा टू अपने पास आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट फाइंड आउट द डिफरेंस इन द एंगुलर नोड and द नंबर ऑफ द रेडियल नोड इन 3d xy. 3d xy की बात करते हैं थ्री डी में जो अपने पास एंगुलर uh, नोड हो जाएंगे वो एंगुलर नोड होंगे टू L के इक्वल हो जाएंगे और अपने पास जो रेडियल नोड होंगे वो रेडियल नोड हो जाएंगे वो n माइनस एल माइनस वन तो रेडियल नोड जीरो तो डिफरेंस कितना हो जाएगा टू का डिफरेंस हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ओके तो डी स्टूडेंट्स एडवांस का पेपर हमने डिस्कस किया थैंक यू जे जे सी एल सी